लाइक योर टेस्ट बड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच मिक्स दाल डोसा। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और इसको आप कभी भी बनाते एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए मिक्स दाल डोसा बनाना शुरू करते हैं। मिक्स दाल डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप राइस। मैंने डोसा राइस लिया है, आप कोई भी टाइप का राइस यूज कर सकते हो। फिर मैंने 1/4 कप येलो मूंग दाल लिया है, 1/4 कप तूर दाल लिया है, 1/4 कप उड़द लिया है, आप उड़द दाल का भी यूज कर सकते हो, 1/4 कप चना दाल लिया है, 1 स्पून मेथी दाना लिया है और ये 3 ड्राई रेड चिली लिया है। अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बोल में डालूंगी, मिक्स करूंगी और अच्छे से वॉश करके उसको 8 आवर्स तक भिगो के रखूंगी और ये चिली को भी साथ में भिगो के रखेंगे। 8 घंटे हो गए हैं, मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। देखिए राइस और दाल एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। मैं आधा आधा ले रही हूँ, 2 बार कर लेंगे और जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। 4 से 5 करी पत्ते ऐड कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जिंजर के पीस डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने सारे मिक्सर को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, 1/2 स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसी रनी, ज्यादा ठीक नहीं रखना है। बेटर रेडी है, इसको फर्मेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बेटर को हम इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो चलिए डोसा बनाते हैं। तवा गरम हो गया है, पहले उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तवा ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें बैटर डालते हैं। फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। देखिए ब्राउन कलर आ गया है, अब इसको फ्लिप करते हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है, हमारा डोसा बनके रेडी हो गया है। अभी फिर से तवा को थोड़ा ठंडा करेंगे। दूसरा डोसा बनाते हैं। देखिए ब्राउन कलर आ गया है, अब इसको फ्लिप करते हैं। तो हम
हमारा दूसरा डोसा भी बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे डोसे को बना लेंगे। हमारा मिक्स दाल डोसा रेडी हो गया है। आप भी घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा बना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।